काचा की माता को घोड़ाई ही उंगली उड़ाकर गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं। परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री बसंत गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भगवती के चरण में आते हैं तो क्या फायदा है महाराज, भगवती के चरण में आने वाला भी भगवती के चोले के अधिकारी हो जाता है। भगवती के चरण का सबसे बड़ा फायदा है कि भगवती का चोला हमको प्राप्त हो जाता है। देखो ये भगवती चरण में आने वालों को इसीलिए कहते हैं, ये संसार में पारस पत्थर जिसको सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है, वो पारस पत्थर भी छूने वाले लोहे को सिर्फ सोना ही बना सकता है, पारस पत्थर नहीं बना सकता। भगवती के चरण में आने वाला भगवती के गुणों से सायुज्य साम्राज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य प्राप्त करता है। सारूप यानी उसका ही रूप धारण करने की ताकत प्राप्त कर लेता है, ये पारस पत्थर भी नहीं कर सकता। पारस पत्थर किसी भी संगत में आए हुए लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन सामीप्य सारूप्य सायुज्य सालोक उनका लोक चाहते हो, उनका रूप चाहते हो, उनका सानिध्य चाहते हो, उनका ही सायुज्य चाहते हो, तो परमेश्वर और भगवती के सिवाय और कोई नहीं दे सकते। उनकी कृपा हो तो वो प्राप्त हो। बाप ने बताए हो
Thank you.